बोलिए क्या बात है। महाराज जी मेरा मेरा बालक कुमार का प्रचल धन बर्बाद करता है और पत्नी को सिझगड़ा करता है, कहता हम छोड़ देंगे। ये धन की बर्बादी करता है। कौन? बेटा मेरा। हाँ बेटा मेरा, मेरा बालक। क्या नाम है? आशीष मिश्रा। हमने लिखा सुने आशीष पर तंत्र क्रिया है, स्त्री का नाम उसकी दीक्षा है, उसके खिलाफ चल रहा है। दिव्या नाम की लड़की की चक्कर में फंसा है, आकर्षित है, उसके कारण लड़का धन हानि कर रहा है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। दिव्या, दिव्या दिमाग लगाइए। दिव्या आई कटियार को फंसा रही, दिव्या को के द्वारा आशीष को प्रसन्न कर रही है। ये दिमाग देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए दोनों प्रश्नों के। आपके बच्चे आशीष गलत रास्ते पर है, अपनी पत्नी दीक्षा को छोड़ना चाहता है। जी महाराज। दिव्या की दिव्या गलत लड़की के चक्कर में फंसा है, आकर्षित है, वशीकरण है, कट जाएगा। पंडुक का दाम 5 वर्ष तक करें और 11,575 रुपए का भंडारा निःशुल्क अपने हाथ से, 11 गवों का ग्रास, 5 रोटी कुत्ते को, 5 रोटी स्वयं, उसके बाद प्रसाद वितरण कराओ। तुम्हारा बच्चा दिव्या से आउट हो जाएगा। हमने ये संकल्प दिया, ये करना पड़ेगा, सफलता मिल जाएगी। नहीं करोगे तुम ना, तुम्हारा काम वापस यथास्थिति हो जाएगी। और ये मैंने नाम लिख दिए, प्रमाण देख लो, मकान नंबर 112 है। जी महाराज। इससे ज्यादा क्या चाहते हो आप लोग? इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहते हो आप लोग? और यहां तक नहीं, मैं और देखिए, आपके बाबा का नाम क्या है? श्री बद्री विशाल मिश्रा। आपके बाबा का नाम बद्री प्रसाद है, आपके पिता का नाम श्री गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद है, और तुम्हारा नाम रामविलास है। जी लिखा, लिखा कैसे लिखा? आप हाथ रख लोदर्शी हो सकता है कि मैं लिख दूं बाद में। यहां जो लिखा है प्रमाण में है, कोई हवा में नहीं है। अब तुम्हें लगे तो करा दियो, और ना लगे तो वहां कौन ले आ रहे हैं? मनोखर सरकार की, सच्चे दरबार की जय। ठीक है, बोलिए पंडोखर सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हतिवान महाराज की जय, श्री राम। ये चालू हेलो। हाँ हेलो। मैं अपनी बहनों के बारे में पूछना था। क्या उनको 2.5 साल हो गया शादी किए हुए, ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं? ससुराल परेशान कर रहे हैं, पति कर रहा है, सास कर रहा है, कौन जिठानी कर रही, देवरानी कर रही, कौन कर रही है? ननद है नहीं उनकी, बच्चे और सास ससुर सभी। बच्चे उसके कर रहे हैं कि उनके बच्चे कर रहे हैं? किसके कर रहे हैं? सास ससुर है उनके, सास ससुर परेशान कर रहे हैं। हाँ, ये बोलो ना। हाँ, किसको? तुम्हारी बहन को? हाँ, बहन का नाम क्या है? एक का नाम लक्ष्मी, एक का नाम मोना है, दोनों एक ही घर में। हमें पता है, इतना मैं पागल नहीं हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कोई भी आ जाएगा तुम आ जाओ, और दूसरे आ जाते नहीं? वो तो आप, हमने देखा आपका नाम बाबूलाल है, आपकी बहन लक्ष्मी की एक बहन, दोनों एक ही घर में ब्याही है, अपने सास ससुर परिजनों से परेशान है, आर्थिक नहीं, उनको प्रताड़ित किया जाता है कि आप गरीब घर की है, आप कुछ लेके नहीं आई हो, तो खाना नहीं आता है, इस तरह की टॉर्चर करती है और हमारे बच्चे को आप लोग परेशान करती हो, यही है ना? यही बात है ना? पढ़ लीजिए। हनुमान जी पंडो का कृपा करेंगे। ठीक है बाबूलाल जी, क्या नाम है आपका? तो हमें कैसे पता हो? क्या नहीं, कुछ भी, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, कुछ भी, कुछ भी तो बहुत। अब जी बगल वाले दादाजी आते तो उनकी मोड़ी परेशान की, पूछो क्या भैया तस्वा वाले। ये कोई मोबाइल का भी तो विवाद हुआ था? हुआ था। तो अब वो आगे नहीं बोलना चाहूंगा, वहां में आपकी बहन की गलती है। ठीक है, पूर्व में कुछ था, वो व्यक्ति उनको ब्लैकमेल कर रहा था, ये अकेले में बात करने जाती थी, उसमें डाल दिया था रिकॉर्डर, वो रिकॉर्ड हो गया, ये मैटर है।
राइट भाई सोलो है ना? हाँ सही है। जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, ये मौखा बोला है। अब इसमें ढूंढो कहां लिखा है, कहां लिखा, कहां लिखा, ये मेरी बात में लिखा जो रिकॉर्ड हो गया कि आपकी बहन जिससे बात करती थी उसका रिकॉर्ड धोखे से किया गया है, रिकॉर्ड डाला गया है, ठीक है। अब जिससे करती थी मैं उसका नाम पीछे लिख देता हूं, किससे बात करती थी? अपने पति से। क्या नाम था? शिवशंकर। राइट, थोड़ी इतनी कृपा कीजिए, वहां भेजेंगे तो मेरी बहनें संतुष्ट हो जाएगी ना। मेरे दो माता पिता हैं, बहुत परेशान हैं, सास बहुत पानी मारती है। तुम्हारी सास की खटिया खड़ी कर दूंगा और तुम्हारी कर दूंगा और तुम्हारी जीजा की कर दूंगा। मेरे तो भले आप हमारे पास आ गए, तुम्हारी बहन ससुराल में रहेगी, सुखी रहेगी, आशीर्वाद है। मैंने इसके पीछे लिख दिया है तो पढ़वा लीजिएगा।